हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और सूरज की पहली पहली किरण मेरे पीछे से आने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश रावत और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रावत ब्लॉग। क्योंकि वाले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, ये है उत्तराखंड की पहली किरण, सूरज की पहली पहली किरण। 5:30 बज चुके हैं। अब देखिए, धीरे धीरे ये चढ़ेगा सिर के ऊपर और सीधे मेरे आँखों पर रोशनी पड़ेगी इसकी। मेरे पापा ये हैं रिटायर्ड सर्विसमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड पर्सन हैं, लेकिन रिटायर हुए इनको 12 से 14 साल हो गए पर अभी भी आराम नहीं है। 75 प्लस हो गए आप? 78 ईयर ओल्ड के हो चुके हैं, लेकिन आप पेंशन मतलब इतने एक्टिव है ना कि खुद कह रहे हैं 78 ईयर ओल्ड के हो चुके हैं। पर काम ये जितने भी देख रहे हो ना, ये दीवारें सीमेंट टाइट और ये हमारी क्यारियों की जो बनावट है, एक एक हमारे घर की जो ना मैनेजमेंट है ना, उनके हाथ में है। छोटी सी छोटी चीज़ टूटने से लेके जोड़ने से लेके सब मेरे फादर का काम है। हम तो रहते नहीं यहाँ पर, तो ये जो इतना बढ़िया मैनेजमेंट मिलता है ना हमको हमारे घर में आके, ये देखिए, एक कपड़ा अगर यहाँ पर टका हुआ है तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? कभी भी आपने यहाँ पर हाथ धोया, आपको तौलिया नहीं मिला ना, तो ये कपड़ा आपके काम आता है हाथ साफ करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने पाइप रखे होंगे, वहाँ पर कपड़े टाँगने के लिए उन्होंने खूंटे टाँग रखे होंगे, हर जगह पे कपड़े टाके हों, क्योंकि आपके इमरजेंसी में काम आ जाते हैं। हर जगह सही जगह पर मैनेज करना कोई सीखे तो मेरे फादर से सीखे। मेरे फादर का नाम है श्री ध्यान सिंह रावत जी। ये मेरे पापा अपने डेली रूटीन वर्क पे लगे हैं, इनको आराम भी नहीं होता, इन्होंने बस काम करना सुबह से। पता नहीं कितने काम, सुबह से 4:30 बजे उठ गए होंगे। कितने बजे उठे आप? 5 बजे उठ गए। सुबह चाय बनाना हुआ, अरे छोटे मोटे कट के दाग सब लगे पड़े हैं। अब्बू की भी आवाज़ आ रही है, शायद अब्बू उठ गई है। अब्बू की आवाज़ आ रही है, अब्बू उठ गई क्या? ओ माय गॉड, ये हमारी छोटी लिटिल सी क्वीटसी। अब इसने फिर कल रात को ना उल्टी करी है, ये देखो अब नीचे गिरा भी होगा, ये उल्टी कर दी इसने। दीदी भी तो सो रखी है, आप भी सो जाओ। हैं, सुनो, मम्मी तो चली गई खेत। मामा नहीं, मम्मी चली गई खेत, अब आप दोनों जाओ, अब सो जाओ आप, ठीक है? टोपी ले जाओ अपनी, नहीं तो फिर ठंड लगेगी ना, जा टोपी ले जाओ, पहनो टोपी, पहन लो, चलो टोपी पहन लो। अच्छा चला, आ जा आ जा, आ जा मेरे बेटा, आ जा। अच्छा टोपी तो पहन लो, नहीं तो कोल्ड हो जाएगा फिर से। पहनो, चलो उसको पहन लो, एक बार पहनो, पहनो सिर में लगाओ। चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो। तो अब्बू भी उठ गई है सुबह सुबह, अभी तो 6 बज रहे हैं, अभी तो हैं धूप खिली हुई है, सो जाते। एज पर रूल पापा बीरोखाल के लिए हो गए तैयार, रोज एक चक्कर लगना ही लगना है। साथ साथ में सेजल भी जा रही है। और बीरोखाल इसको क्या बोलते हैं वैसे? अगर ये ऐसा ना हो कि गोल हो जाए, ऐसे ये रोटी की तरह हो जाए, इसको तो किससे बनते हैं ये रोटी? किससे बनती है? गाय से नहीं, ये गाय के भैंस के बैल के गोबर से बनती है उपले। अविका की तबीयत खराब है, तब भी घरेलू कामों में जुट गई है। उसको पता है कि गाँव की बच्ची है, आगे जाके भी यहाँ आके इसको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। तो ये है गांव का जीवन, बहुत सिंपल है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये लहसुन कुछ इनमें इस तरह के हैं, कुछ इस तरह के। आपने, मैं वहाँ पे जब मार्केट में देखता हूँ तो एक तो इस तरह के लहसुन बिकते हैं जो पूरे के साथ होते हैं, और एक बिल्कुल छिलके निकले लहसुन होते हैं। साथ में ये मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, पर ये है आपकी बीन्स, छीमी बोलते हैं यहाँ पर। ये बेसिकली बीज के, इसके दाने अभी सूखेंगे तो उनके दाने सब्जी में यूज़ करेंगे। तो ये है घरेलू जीवन। ये हमारे गांव के 3 कर्मठ किसान मुंगरी बो रहे हैं, मक्की बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं।
और मैं आपको ये छोटे छोटे दाने दिखाऊंगा। ये है आपके, कहाँ चले गए रे जी, ये बीज है। हाँ बो तो जब मुंगेर जलम तभी बोले दे हैं अगस्त सितंबर तुरंत। हिना अपना डेली रूटीन वॉक कर रही है, घास वास देने जानवर को खा रखी है। और ये हमारे गांव का निचला हिस्सा है, आज मैं ये हमारा गौशाला है, छन्नी जहाँ हमारे जानवर रहते हैं, पालतू जानवर गाय वगैरह। म्यूजिक। हाँ हिना जी, कैसा लग रहा है लगातार गांव में काम करके? है दिल्ली में बड़ा आराम रहता तुमको है? ये हमारी ममता जी हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज तो मेरी माँ बना रही है चूल्हा, क्योंकि हम लोग घर में ना बाहर ही बनाते हैं रोटी, बाहर यानी घर के आंगन में थाड़ में, हम इसको थाड़ कहते हैं गढ़वाली भाषा में, घर के आगे जो जगह होती है उसको थाड़ कहते हैं, थाड़ आंगन बोलते हैं जिसको। चूल्हा बनता है यहाँ पे ईंटों का या पत्थरों का, ऊपर उस पर गोबर और मिट्टी से उसको पोतते हैं, तो मेरी मम्मी वही कर रही है। ऊपर नीचे होगा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, तो मम्मी नया चूल्हा इसमें बनाएंगे रोटी, इसमें बनाएंगे हम पिंडा। वो नेचुरल लाल मिट्टी है, गांव की खूबसूरती का ये भी एक नज़ारा है। ये है गोबर और वो है लाल मिट्टी। इस तरह की लीपा पौधी हर किसी मिट्टी से नहीं होती, ओनली लाल मिट्टी होती है, पहाड़ में मिलती है। ऑल टाइम रोतड़ू। ये देखिए, ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी के घर होते हैं, ये जो मिट्टी है ये आम मिट्टी नहीं है, हर जगह नहीं मिलती है, ये सिर्फ लाल मिट्टी होती है जिससे घर को लीपा पोता जाता है। गांव का आपको सादा जीवन दिखाता हूं मैं। ये हमारे गांव घर के आगे का आंगन है, थाड़ है, और मेरी मम्मी इस पूरे थाड़ को ना लिपाई पुताई कर रही है, क्योंकि ये जो पत्थर है, कहाँ रहे मेरी उंगली, ये जो मेरा पत्थर है, इस पत्थर के जो बॉर्डर होते हैं ना, ये इनमें से मिट्टी भरी रहती है, अरे ये अगर निकल गए तो यहाँ से भी चींटियाँ बाहर आती हैं। और जब कभी मैं यहाँ पे धान वगैरह कूटते हैं ना, धान हो गया है, गेहूँ कूटते हैं, तो इनके अंदर चले जाते हैं और चींटियाँ आती हैं और उनको यहाँ अंदर ज़मीन के अंदर ले जाती है। इसलिए पत्थरों को भी लीपना नहीं होता, पत्थर के जो बॉर्डर होते हैं ना, ये बॉर्डर, इन बॉर्डरों को लीपा पोता जाता है, जैसे मेरी मम्मी कर रही हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों, दिन के बजे 12 और मैं हूँ आपके बिरखल ब्लॉक के आगे 2 किलोमीटर में पड़ता है कठमणी गांव। कठमणी गांव बिल्कुल मेरे नीचे है, मेरे पीछे जो गांव देख रहे हैं ना, ये है डुमेला मल्ला। मैं अभी डुमेला मल्ला के जस्ट अपोजिट में हूँ, यहाँ से दिखता है पूरा गांव। मैं बिरखल से मैंने एक फ्रेंड से बाइक ली थी, ये है कठमणी का, वो लिखा हुआ है कठमणी का बस अड्डा, और यहाँ से दिखता है मेरा पूरा गांव डुमेला मल्ला। ये नीचे सतपाल महाराज जी ने सत्संग बनाने के लिए ज़मीन ले रखे तल्ला डुमेला वालों से, ये पूरा है डुमेला मल्ला। ऊपर हमारे जंगल है, ये है उधर जंगल, ये पूरा इलाका जो सामने देख रहे हैं बिल्कुल, ये है बिरखल का हॉस्पिटल, नीचे है भरोली गांव, और ये जो लोकेशन दिख रहे हैं नीचे, ये एक ज़माना था जब हम स्कूल टाइम पे यहाँ से पानी लेके 2 किलोमीटर अपने गांव तक जाते थे, पानी की शॉर्टेज बहुत हुआ करती थी। दिन बड़ा हेक्टिक रहा, कुछ रिलेटिव आ रखे थे बिरखल में बैंक के काम से, मुझे भी पोस्ट ऑफिस में कुछ काम था। जैसे सुबह मम्मी ने ना ये नया चूल्हा लीपा पोता था, नया चूल्हा बनाया था, मैंने कहा था इसमें रोटी बनेगी, इसमें पिंडू उबाला जाएगा। एक तरफ मम्मी ये जो है ना हरी हरी घास सुखा दिया, ये है पिंडू, पिंडू यानी कि जानवरों का खाना। अभी कहने पहले की उल्टी टोपी, दादी उसको दे रही पेंसिल लिखने के लिए। है? अरे तू लड़की है कि लड़का है? तू लड़की है कि लड़का है? माय गॉड, ये जो कांटा है ना, ये कांटा मम्मी के पाँव में चुभा, अभी दिखा देना, दवाई वगैरह लगा देना भाई। है तो किचन में देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। माय फेवरेट इज भिंडी, मेरी फेवरेट तो बहुत है पर भिंडी भी वन ऑफ देम। साथ में इंडक्शन कुकर, इंडक्शन कुकर अगर पहले पहाड़ों में बिजली का बिल बहुत कम आता था, अब हर किसी घर में इंडक्शन कुकर हो गए तो सबके घर में बिजली का बिल भी ना डबल हो चुका है, ये इससे आप नकार नहीं सकते हो।